तो साथियों इस समय हम हैं शहीद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में, और यहाँ पर देख सकते हैं मंडली कला फल साकंबरी पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, और आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इस मंडली फूल पुष्प प्रदर्शनी को, और तमाम लोग देखिए इस प्रदर्शनी में आए हैं और इन पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। तमाम नौजवान बच्चे पहुंचे हैं, तो बने रहिए ऐसे ही प्रयागराज की खबरों के लिए K9 प्रयागराज वर्ष में कृष्णा शुक्ला। तो साथियों देख सकते हैं फूलों को किस तरह से तितली के आकार में यहाँ पे सजाया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है यहाँ पर यह फूलों की प्रदर्शनी। तो देख सकते हैं प्रयागराज में ऐसी ही तस्वीरें। तो हम आपको ले चलते हैं, देखिए इधर किस तरह से ये हिरण बारहसिंघा ये फूलों से, देखिए लोग इस पर भी सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं। तो तमाम लोग ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद के साथ युवा जो है सेल्फी ले रहे हैं। तो साथियों देख सकते हैं K9 प्रयागराज वर्ल्ड से आप इस समय प्रदर्शनी का आयोजन जो है चंद्रशेखर आजाद पार्क में हो रहा है, और यहीं पर गाय को किस तरह से फूलों से सुसज्जित करके जो है यहां पर आकार दिया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है, और यहीं पर लोग जो है फोटो खिंचवाने के लिए भी आए हैं। क्या नाम है आपका? नीलम पाल। तो क्या परिचय है, किस संगठन में रहें, आप क्या करती हैं, कैसे? हमारा NGO है गुलाबी गैंग, और हम इलाहाबाद के जिला कमांडर हैं। अच्छा, गुलाबी गैंग के इलाहाबाद जिले के जिला कमांडर हैं आप। तो आज यहाँ पे प्रदर्शनी जो लगी है पुष्प फूल प्रदर्शनी, इसको देखकर आप लोगों को कैसा लगा जो है? बहुत अच्छा लगा। इस बार तो ये सारे पेड़ पौधे जितना सजावट कितनी अच्छी है, जैसे कि मोर पे भी फूल से सजाया गया है, शेर को भी सजाया गया है, और सब्जियां बहुत अच्छी लगी हुई हैं। तो इस यहाँ पर आने के बाद हम लोग को एक नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग को इस प्रकार ऊर्जा मिलती है कि हम अपने घर के भी साथ सज्जा ऐसे करें और इस तरह की सजावट करें, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और अच्छे स्वास्थ्य। जैसे लोग भौतिकवाद और कृत्रिम चीजों की तरफ जा रहे हैं, और इस तरह की जो जैविक तरीके से सब्जियां हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली चीजें, जिससे आप अपने वातावरण को भी और घर को भी और अच्छा सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बदलाव लाएगी लोगों के जीवन में। बिल्कुल लाएगी, स्पेशली इसलिए प्रोग्राम होता ही है, ये साल में एक बार वही फरवरी में होता है, इस बार मार्च के फर्स्ट वीक में हुआ है। तो देखिए बहुत अच्छा जी, लगता है। बहुत अच्छा लगा। तो ये अपने ग्रुप्स के साथ यहाँ पर आई थी, और इस प्रदर्शनी को देखकर कहीं ना कहीं इन्होंने इसकी तारीफ की। तो बने रहिए हमारे साथ K9 प्रयागराज वर्ल्ड में, हम आपको ऐसे ही देखिए रंग बिरंगे झंडों के साथ है, इसको और भी आकर्षक बनाया गया इस प्रदर्शनी को, और तमाम नौजवान और लोग अपने परिवार के साथ ही इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे हैं। तो बने रहिए ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ। यहाँ पर एक गंगा जमुनी संस्कृति एक पुष्प फूल प्रदर्शनी जो है लगी है। तो साथियों हम आपको ले चल रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी गार्डन में पुष्प फूल प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, और यहाँ पे कई वैरायटी के जो है फूलों और पौधों का जो है प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि कई वैरायटी के जो है फूलों की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है, और लोग इस प्रदर्शनी को निहार रहे हैं। तो आज अंतिम दिन है साथियों, आप देख सकते हैं, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। साथियों देख सकते हैं यहाँ पर गाय, सॉरी, तो उत्तर प्रदेश में गाय एक मुद्दा है, यहाँ फूलों से जो है प्रदर्शनी लगाई गई। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो है इस समय इसी जी जी, तो गाय के साथ यहाँ पे जो है फोटो लेते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत ही आकर्षक तरीके से यहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए K9 प्रयागराज वर्ल्ड चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब। देख सकते हैं कि अब प्रदर्शनी
जिस तरह से तमाम जो है उद्यानों की तरफ से यहाँ पर आयोजित हुई है, तो अपनी तो ये आप देख सकते हैं रंग बिरंगे फूलों से सजी है प्रदर्शनी, लोगों के आकर्षण का केंद्र है। ये आज अंतिम दिन है इस प्रदर्शनी का और ये जो है भारत सरकार की पहल पर, प्रयागराज प्रशासन की पहल पर इस प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें कई वैरायटी के फूल और पुष्प लोगों के आकर्षण के केंद्र हैं। तो ऐसे ही शानदार तस्वीरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। तो देखिए प्रयागराज पुष्प फूल प्रदर्शनी का मुख्य गेट है और यहीं से अब हम आगे चलेंगे। साथियों देख सकते हैं इसी पुष्प फूल प्रदर्शनी को देखने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं और तमाम लोग इसको अपने कैमरे में कैद करके जा भी रहे हैं। तो बहुत ही इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए ये अच्छा मैसेज है और लोग इस प्रदर्शनी से तमाम सारी जानकारियां जुटाकर अपने घर के लिए ऐसे ही इको फ्रेंडली पौधों और साग सब्जी के विषय में लोगों ने जाना। तो आज इस समापन दिन पर हम भी पहुंचे थे और ये आप देख सकते हैं किसी कंपनी गार्डन में ये बच्चों के लिए तमाम झूले लगे हुए हैं, तो जिस पर बच्चे इस समय मस्ती करते हुए आप देख सकते हैं। तो देखिए ये अब हम इस मुख्य गेट से वापस जाएंगे। तो साथियों हम आपको दिखाते हैं तमाम यहाँ पे रंग बिरंगे जो है फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है और यहीं पर कई रेस्टोरेंट कई प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं रंग बिरंगे फूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी बहुत ही आकर्षक और लोगों को अपनी तरफ अनायास ही आकर्षण का केंद्र। चलते हैं दोस्तों आगे और दिखाते हैं ऐसे ही, ये आप देख सकते हैं कई वैरायटी के यहाँ पे फूल और पुष्प की प्रदर्शनी। ये देखिए तो साथियों बने रहिए हमारे साथ और हम आपको घुमाएंगे आज इसी कंपनी गार्डन में और दिखाएंगे यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं लगातार इस प्रदर्शनी को देखने के लिए लोग पहुँचे हैं। देख सकते हैं इधर भी कई वैरायटी के फूलों की प्रदर्शनी है और लोग इन प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में इन पुष्पों को निहार रहे हैं। तो आगे चलते हैं दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की और ऐसी ही तस्वीरें आपको। साथियों देख सकते हैं कि प्रयागराज के ही कंपनी गार्डन में यहाँ पे रंग बिरंगे फूलों की जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। शाम को भी लोग आते हैं और देखते हैं, अभी भी तमाम युवा पहुँचे हैं और इन रंग बिरंगे फूलों के बीच में एक यादगार तस्वीर के साथ फ़ोटो ज़रूर खींचते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में तमाम रंग बिरंगे फूलों के साथ लोग परिवार के साथ सेल्फी भी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कई रंग बिरंगे फूलों की वैरायटी, ये श्रेष्ठ आप देख सकते हैं। इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो साथियों ये देखिए फूलों से कई तो देखिए यहाँ पे कंगारू आप देख सकते हैं फूलों से ही कंगारू को आकार दिया गया है। आप देख सकते हैं इसी कंपनी गार्डन में पुष्प फूल प्रदर्शनी का आज समापन दिन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई कंगारू जो कि फेमस हैं और इसको यहाँ पर फूलों से आकृति देकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाया गया है और लोग ज़रूर इसको देख रहे हैं और अपने कैमरे में कैद करके सेल्फी ले रहे हैं इनके साथ। इसी प्रदर्शनी में देखिए पूजा पाठ और रुद्राक्ष माला से संबंधित दुकानें भी इसी प्रदर्शनी में आज यहाँ पर सजाई गई हैं और लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स का भी प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
साथियों यहाँ देख सकते हैं राजस्थानी अचार। तो यहाँ पे लाल मिर्चा, हरा मिर्चा, भरवा आम अचार, लहसुन, करौंदा, करौंदिया, गूंदा आम, कूचा आम, कई प्रकार की वैरायटी हैं राजस्थानी अचार। ये तो बच्चों के लिए खिलौने हैं। आगे चलते हैं साथियों, आप देखिए यहाँ पे गोभी, फूल गोभी की वैरायटी है जो कि इस समय आप देख सकते हैं गोभी फली हुई है। और तमाम ये देखिए पत्ता गोभी बोलते हैं, तो काफ़ी सारी वैरायटी है। और ये ग्रीन गोभी भी है और तमाम कलर के फूल आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी गार्डन में इस समय प्रदर्शनी। तो लोग भी इस फूलों और रंग बिरंगे पौधों के बीच में सेल्फी लेते हुए ख़रीदारी भी लोग कर रहे हैं, जिसमें तमाम युवा और परिवार के साथ भी लोग आए हैं। और आप देख सकते हैं इस समय रंग बिरंगे झंडे के साथ तमाम पौधों को सजाया गया है। चलते हैं, हम और लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। तमाम पौधशाला के लोग यहाँ आकर प्रदर्शनी में लगाए हैं और लोग भी इस पल का बखूबी आनंद लेते हुए और इन रंग बिरंगे फूलों के बीच में सेल्फी लेना नहीं भूलते लोग। तो लोगों के बीच प्रयागराज में यह प्रदर्शनी कंपनी गार्डन में आयोजित थी, जिस जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लोग सुबह शाम रात में भी यहाँ पर टहलते हैं, हम रात का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कई वैरायटी के जो है फूलों और तमाम आप देख सकते हैं इसमें खरबूजा, ककड़ी, भिंडी, नेनुआ, गोभी, धनिया, पालक, तमाम सारे जो है बीज यहाँ पर लगाए गए हैं बिक्री के लिए। कहाँ से आए भैया आप? प्रयागराज में। कहाँ से प्रयागराज में? तो हाँ, तो कटरा लूकरगंज में आपकी शॉप है। अच्छा, लूकर। तो आप देख सकते हैं, तो तमाम यहाँ पर बीज लगाई। आज आप देख सकते हैं इसका अंतिम दिन है इस प्रदर्शनी का, और इसी में ये भी आए हुए थे जो तमाम साथियों। नमस्कार, इस समय हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसे कंपनी गार्डन भी कहते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुष्प और फूलों की विभिन्न जो है प्रदर्शनी आयोजित हुई है, जिसमें रंग बिरंगे कई वैरायटी के फूल और पुष्प आप देख सकते हैं। प्रदर्शनी का आयोजन आज लगभग पाँचवा दिन है और आप देख सकते हैं जहाँ पर कई रंग बिरंगे फ्लैग्स और के साथ जो है देख सकते हैं कई रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। हम आपको एक तरफ से दिखाते हैं साथियों, देखिए तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इस रंग बिरंगे जो है फूलों के बीच में सेल्फी लेना नहीं भूलते लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस ये देखिए हाईटेक नर्सरी, तो यहाँ पर तमाम रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी जो है लगाई गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन इंडिया नर्सरी की तरफ से जो है रंग बिरंगे ये आप आम देख सकते हैं, आम का ये पौधा है और आप देख सकते हैं इसमें बौर भी है, यानी ये एक ही वर्ष में जो है फल देने वाले आम के वैरायटी हैं। किसका भैया आपका पौधशाला है? क्या नाम है सर आपका? पांडे। ग्रीन इंडिया नर्सरी। जी जी पांडे जी। ये कहाँ पे आपकी नर्सरी है? ये मजार चौराहा ममफोर्डगंज में है। ममफोर्डगंज में। ये आम की कौन सी वैरायटी है जो अभी जिसमें बौर लगा हुआ है? ये स्वर्ण रेखा है और इसमें चौसा है। क्या खासियत है ये, मतलब 12 महीने पड़ता है या साल नहीं? नहीं, 12 महीने नहीं, ये जैसे इस समय साल साल भर में एक बार फलेगा और 12 मासी आम और ऑल टाइम वैरायटी दूसरी है। तो अभी आप कंपनी बाग में जो है प्रदर्शनी में आए हुए हैं, तो क्या कितने दिन से चल रहा है और कब तक रहेगा ये प्रदर्शनी? आज समाप्त हो रही है, ये शनिवार से स्टार्ट है, शनिवार, इतवार और सोमवार, आज समाप्ति है इसकी। आपके यहाँ प्रमुख रूप से कौन कौन से फूल या फिर फलों में क्या क्या वैरायटी उपलब्ध रहती है लोगों के लिए? लगभग सभी वैरायटियाँ हैं, फ्रूट्स में आम है, अमरूद, लीची, चीकू, सारी चीज़ें नर्सरी में उपलब्ध हैं और सीजनल फ्लावर्स भी हैं,
ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, लान वगैरह का काम ये सब पूरा होता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि अभी हम ग्रीन इंडिया नर्सरी के जो है जो ऑनर हैं उनके नर्सरी के उनसे हमारी बातचीत हुई। आप देख सकते हैं कि कई वैरायटी के फूलों को यहाँ पर प्रदर्शनी में आयोजित किया गया है आज, और ये लास्ट दिन है प्रदर्शनी का। तो हम अंदर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए पांडे पौधशाला, ये भीरपुर रेलवे स्टेशन के पास भी है, जॉर्ज टाउन में भी है, गोहनिया ओवर ब्रिज के पास भी है, और इनके द्वारा भी यहाँ पर फूलों की प्रदर्शनी आयोजित हुई है आज, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिक्री भी हो रही है। तो साथियों देखिए इसी कंपनी गार्डन में हम आए थे और यहीं पर पुष्प प्रदर्शनी को दिखा रहे थे। तो यहीं पे एक नन्हे, क्या नाम है आपका? अभी जी, माइक में बोलिए अभी जी। अर्णव जी कहाँ से आए बेटा आप? मैं इलाहाबाद से आया। इलाहाबाद से आए, स्कूल नहीं गए थे क्या आज? गया था। ये पुष्प और फूल प्रदर्शनी देखकर कैसा लगा आपको, क्या अच्छा लगा यहाँ पर? ये जानवर जैसे जानवर कंगारू देखा आपने? हाँ। और एलिफेंट भी बना था गेट पे? हाँ वो मैंने देखा। तो अच्छा लगा आज? हाँ। तो आपने पापा जी के साथ आए थे? हाँ। चलिए ठीक है, K9 प्रयागराज वर्ल्ड।